हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपम। स्वागत है आपका मेरे चैनल रूपम किचन रेसिपी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा चिवड़ा। पोहा चिवड़ा बनाने में बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने आधा केजी पोहा लिया है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ही पतला पोहा यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम पोहा जो है वो थोड़ा भून लेते हैं। तो ये पोहा इसमें डाल देते हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसको अच्छे से हम पहले भून लेते हैं। पोहा अगर पहले ही हमने भून लिया तो बाद में ये बहुत ही कुरकुरा बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा पोहा यहाँ पे अच्छे से भून गया है। गैस कर देते हैं बंद और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ें लिए हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं मूंगफली, एक कटा हुआ प्याज, करी पत्ता और दो हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली डालते हैं पहले और इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली को हमें थोड़ा ही फ्राई करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से भून गई है। एक बार थोड़ा और भून लेते हैं। अब इसको निकाल के हम एक प्लेट में रख देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें राई। राई भी अच्छे से चटकने लगी है। तो अब हम इसमें डालते हैं प्याज और हरी मिर्च। इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं नमक। एक छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और दो पिंच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें जो हमने भुनी हुई मूँगफली थी ये डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही मसाला तैयार है। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसमें अब हम ये पोहा डाल देते हैं। एक बार इसको चला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा नमकीन पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही ये बहुत ही कुरकुरा बन जाएगा। फिर हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। यहाँ पे पोहा चिवड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पोहा चिवड़ा आप एक डिब्बे में भरकर रख सकते हैं और 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और कोई भी मेहमान घर पर आते हैं तो ये चिवड़ा उनको खिला सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए मिलते हैं और एक नई रेसिपी लेके नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।